चलिए हम आपको अगली तस्वीर दिखाने लेकर चल रहे हैं। राकेश ओसवाल जो कि उद्योग आघाड़ी के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के रूप में उन्हें नियुक्ति मिली है। हम आपको लेकर चल रहे हैं उस समय का दृश्य दर्शाने के लिए जब इन्हें नियुक्ति पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी जवाबदारी इन्हें सौंपी है जो कि भिवंडी शहर में एक अहम जवाबदारी के रूप में देखी जा रही है। उद्योग से ही जुड़ी भिवंडी शहर रीढ़ की हड्डी भिवंडी शहर की अगर कुछ मानी जाती है तो उद्योग के ही नाम से भिवंडी शहर का नाम चलता है। ऐसी जवाबदारी इन्हें दे करके यह स्पष्ट किया गया है कि आज इसमें इस उद्योग नगरी में जो भी कमियां आएगी उसे अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा पद है तो यह है जो उन्हें सौंपा गया है। इन ऊपर से लेकर के नीचे तक जहां भी जरूरत लगी वहां पर राकेश ओसवाल जो कि उद्योग के मामले को लेकर के खड़े रहने की उनके अंदर ऐसी क्षमता देख करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष मंजैया सेट्टी ने यह स्पष्ट किया कि ये हमें इतना सक्षम दिखे कि हमने यह पद दिया है। लेकर चलते हैं वहां का दृश्य दर्शाने के लिए। संयोजक उद्योग आघाड़ी के अलावा भी दो पद और वितरित किए गए। हम आपको लेकर चलते हैं सारे के सारा दृश्य दर्शाने के लिए। भिवंडी एक टेक्सटाइल की एशिया नंबर वन यूनिवर्सिटी है और भी यहाँ काफी विभिन्न इंडस्ट्रीज लगी हुई है। आज जो सेंटर की और स्टेट की जो हमारे मोदी जी के द्वारा विभिन्न सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को यहाँ पे कैसे अवगत कराना और उनका कैसे आम जनता को प्रतिफल दिलाना उसके लिए हम ये कार्य करेंगे। टेक्सटाइल सेमिनार है, टेक्सटाइल मशीनरी है, मोती उद्योग है और भी सारे उद्योग के लिए सहायता करना है। यहाँ पे बहुत लंबे तादाद में प्रोसेस हाउस लगे हुए हैं, लूम्स लगे हुए हैं। आम बंधुआ मजदूर को रोजगार कैसे मिले उन संपूर्ण कार्य के लिए नियोजन के लिए ये एक सेल्स बीजेपी के माध्यम से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी के माध्यम से ये एक नियोजन किया गया है। और इस कार्य के लिए भिवंडी के सब जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि उद्योग संबंधित जो भी कोई भी प्रकार की समस्याएं आवे या यहाँ पे कोई सेंटर की यहाँ पे जैसे टेक्सटाइल पार्क है जो भी आपका सजेशन हो आम जनता का किस प्रकार से भिवंडी को और आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए योजनाएं और आप सबका सहयोग मिला के एक अच्छा काम करेंगे और इस पूरी की भिवंडी को नई भिवंडी बनाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इस पोस्ट के लिए मुख्यतः आप किसका आभार प्रकट करेंगे? मैं मुख्यतः आभार करता हूँ हमारे कार्य समाज खासदार श्री कपिल जी पाटिल का, हमारे कार्य समाज आमदार श्री महेश जी चौगले का, हमारे दबंग और डैशिंग प्रेसिडेंट श्री संतोष जी सेठी का, घट नेता नीले जी चौधरी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी का। आघाड़ी का पद मिला है, क्या लग रहा है आपको और भिवंडी शहर में किस प्रकार का काम करेंगे आप? भिवंडी शहर जो है एशिया नंबर वन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। एक खेल हमारा
मतलब उद्योग को कोई ऐसा तकलीफ नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी बातें सरकार तक पहुँचे, तो उद्योग हमारे ओसवाल जी बड़े उद्योगपति है उनको बनाया हमने। और सरकार जो बैंक से संबंधित बहुत से काम जो नहीं हो सकते, ऐसे हमारे विकास जो पाटिल है तो खुद का भी उनका दो तीन पदपेटी है। और लोग का सरकारी जो फायदा है उनको कैसे मिले, वो एक हमने संस्था का स्थापना किया। और सीए अग्रवाल जी एक अच्छा यंग बच्चा, हमने उनको दिया संयोजक करके, ताकि अभी जीएसटी का जो अच्छा कायदा आया है उसमें कुछ बुरा ना हो, आपको गलत बता के हमारे व्यापारी को तकलीफ ना दे, क्योंकि ये सेल सीए लोग का सेल है, तो ऐसा जो भी व्यापारी को तकलीफ है गवर्नमेंट से कहाँ से भी, तो उसको हम उसको उसको मदद मिलेगी। ऐसा कह सकते हैं कि ये 2019 की तैयारी है जोरों में? नहीं, 2019 की तैयारी है, लेकिन कैसे ये जो काम है, ये जो इतनी अच्छी योजना है मोदी जी का, हमारे अमित शाह का और मुख्यमंत्री का, हमारे दानिश साहब का, हमारे खासदार आमदार हम मेरा सब एक एक जो जो अच्छी स्कीम है ये हमारे आम पब्लिक पहुँचना चाहिए। इसलिए सेल के माध्यम से हम वो जो फायदा है हमको उद्योगपति और आम आदमी तक पहुँचा। देखा जाए कि भिवंडी के आम आदमी उद्योजक लोगों केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, वहां तक पहुंचने का आपकी भिवंडी जिला कमेटी कहां तक सपोर्ट करेगी उनका? ये जो उद्योग का सेल बना है ये कोई पार्टी में नहीं है, सीए का सेल में कोई पार्टी में नहीं है, सरकार का कोई पार्टी में नहीं है, और भी ऐसे टीचर्स बहुत बना है, मतलब डायरेक्ट जो सरकार और आम आदमी या अच्छा बिजनेसमैन या कोई टीचर्स या कोई भी इससे जुड़ा वो डायरेक्ट जुड़े उनका काम हो, और उसमें जो पद है उसमें पावर है, ताकत है, उनकी काम अगर होने से